था, वो कहता था 1 महीने बाद दूंगा, 1 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, मैं उधारी चुकाया करूंगा, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर कोई कहता था अगले जन्म में दूंगा, तो वो भी उसको पर्ची काट के वो सेठ अपने मुनीम के द्वारा पर्ची कटवा के दिलवा देता था कि उधार चुकाया करना है, जब कभी भी करे। तो ऐसे बहुत चलता रहा था, जो जैसा बोलता था वो उसी तरह, क्योंकि सेठ के पास इतना पैसा था, वो इतना भला कर रहा था लोगों का, उसके पास धन बढ़े जा रहा था, तो वही पर्ची काट के दे दी जाती थी। एक बार एक चोर था, वो उसने सोचा कि अगले जन्म में, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगला जन्म किसने देखा है। तो वो गया सेठ के पास, जाके बोला मुझे उधार चाहिए। तो सेठ ने जाके उसे अपने मुनीम के पास भेजी, मुनीम ने पूछा कितना चाहिए, कैसे चाहिए, तो उसने बोल दिया चंद इतने पैसे चाहिए, बता दिए जो भी अमाउंट था। तो मुनीम ने जाके तिजोरी खोली और पैसे निकालने लगा, तो चोर का ध्यान जो था तिजोरी के अंदर था कि कितनी अशर्फियां, कितना सोना चांदी भरा पड़ा, देख लिया उसने और लिखवा दिया मैं अगले जन्म में दूंगा, पर्ची पे रख के, पर्ची जेब में रखी और जाके अपना चला गया बाहर। अब जैसी रात होने लगी, उसे सोचा कि अब सेठ के घर में जाके तिजोरी मारनी थी, पूरा अंदर का धन। वो गया, उसने देखा सेठ अभी भी जगा हुआ है, पता नहीं इन पैसे वालों को नींद ही नहीं आती। जो खड़का हुआ सेठ एकदम डंडा लेके खड़ा हुआ, तो वो जो चोर था भाग के एकदम से एक भैंस का तबीला था उधर जाके छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा 3-4 भैंसे वो आपस में बातें कर रही है, तो कान लगा के वो सुनने लगा चोर। तो पहली भैंस ने कहा तुम यहाँ पे कैसे आई, तो दूसरी भैंस बोली कि मैं पिछले साल आई हूँ, क्योंकि मैंने इससे धन उधार लिया था, एकदम से मेरी मृत्यु हो गई, तो मुझे अपना कर्जा चुकाने के लिए दूध रूप में इस वर्ष इसके घर में आना पड़ा। वाह वाह वाह, ये सच्ची बातें हैं, आपकी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दूसरी गाय भैंस से पूछा, गाय हो भैंस हो मतलब किसी भी रूप में जाना पड़ता है। उसने कहा 3 वर्ष पहले मैं आई थी, तब से इसको दूध दे रही हूँ क्योंकि मेरा कर्जा बड़ा था। तीसरी ने कहा मैं 5-6 वर्ष पहले आई हूँ, क्योंकि मेरा कर्जा और ज्यादा था, अशर्फियों में था, तो मैं इसको दूध दे रही हूँ। तो सेठ ने सुना के जो चोर था, वो चोर ने सुना और डर गया। डर क्या गया, वो तो कांप गया, कह रही तो मैं तो पूरी अशर्फी पूरा चोरी गायब करने आया था, तो मुझे तो पता नहीं कितने साल रहना पड़ेगा इसके घर में। तो फटाफट वो भागा और मुनीम के चरण पकड़ लिए और काली ले जी अपना उधारी वापसी ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा उधार। और वो डर गया कि गाय भैंस कुत्ता बन के पता नहीं मुझे इसके घर में क्या क्या आना पड़े। तो इसलिए कहते हैं किसी का एक पैसा भी, किसी एक अन्न का दाना भी एक पैसा भी किसी का लेना ना, चाहे हम 2 पैसे किसी के लेंगे तो हमें हजारों में उसके कई गुना करके उसको चुकाने पड़ेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। देखिए आप, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, अपने मन की बात है। सब्जी लेने गई थी मैं, तो मेरे पास कितने कम थे, शायद 2 रुपए, 2-3 रुपए ही कम थे बस। उसने कहा सब्जी इतने की हुई, नहीं 5 रुपए, 100 रुपए के 5 किलो आलू हुए थे मेरे पर, 95 थे, खर्च कर चुकी थी जितने 1000 रुपए ले गई थी ना। मैं कहा 95 है इसके, आलू दे दो मुझे कि बार बार आने का टाइम नहीं। तो आलू वाले ने कहा आंटी जब अगली बार आओगे दे जाना वो 5 रुपए। मैं कहा नहीं बेटा, मैं उधारी नहीं करके जाऊंगी, मैं वादा नहीं करके जाती देर से, लेकिन आऊंगी अवश्य दूंगी, लेकिन वादा नहीं करूंगी। कि वादा करके जाओ तो अब इस जन्म में नहीं, तो अगर अगले जन्म में, अगले जन्म में। हाँ बस इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, किसी का उधार करो तो चुकाओ, नहीं तो वादा मत करो उसे, इसे हाथ जोड़ दो कि आई तो कभी दे दूंगी, आया तो दे दूंगा, लेकिन नहीं तो किसी भी रूप में आपको गाय बन के, कुत्ते बन के, उसका पुत्र पुत्री बन के उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा। कई बार कहते हैं कि कोई लड़का किसी घर में संतान बन के पैदा होता है कोई लड़का, लेकिन वो इतना खर्चा करवाता है, इतना खर्चा करवाता है, लोग कहते हैं इन लोगों ने औरों का खून चूसा। आज इनके घर में वही लोग पुत्र रूप में उनकी आत्माएं आई हैं, जिससे कि अब वो लड़का उन लोगों का खून चूस रहा और खर्चा करवा रहा है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पे न्याय है, अन्याय नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ जिनको समझ नहीं आया, लाइक कीजिए, वो वाला बटन किसी भी तरह ग्रे हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी मीट यू इन नेक्स्ट।